गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास सिक्स लेसन थर्ड पार्ट टू पृथ्वी की गतियां। आज हम पृथ्वी की गतियों में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पृथ्वी के बारे में और घूर्णन परिक्रमा हमने पृथ्वी की गतियों के विषय में अध्ययन किया, और इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि जो कक्षीय समतल होता है उसके विषय में अध्ययन किया था। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। जैसे ये सूर्य है और ये आपकी मैंने पृथ्वी बनाई है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जिस अवस्था में दिन और रात को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। इज दैट क्लियर? जो दिन और रात को अलग करती है या फिर दिन और रात को अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसके बाद आता है उत्तरी आयनांक। उत्तरी आयनांक का अर्थ हो गया कि पृथ्वी की 21 जून की अवस्था, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कहने का भाव यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, उस दौरान उत्तरी आयनांक के अकॉर्डिंग उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। और इस दिन 21 जून होता है। 21 जून को लंबे हमारे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। इसके अलावा आता है दक्षिणी आयनांक। दक्षिणी आयनांक की बात करें तो 22 दिसंबर का दिन जो होता है उस दिन दक्षिणी आयनांक होता है। इस अवस्था के अंदर हमारी जो मकर रेखा होती है यानी पृथ्वी की 22 दिसंबर की अवस्था, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो इसमें दक्षिण दक्षिणी आयनांक में 22 दिसंबर में जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें तो हमारी जो दक्षिणी गोलार्ध कहाँ मिले जो हमारी विषुवत रेखा से नीचे होता है वो होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा से ऊपर होता है वो होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध। तो जब दक्षिणी आयनांक होगा यानी सूर्य का प्रकाश दक्षिण पर सीधा पड़ेगा तो 22 दिसंबर होगा, और उस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी का निर्वाह होगा। इसके बाद है विषु। विषु की बारे में अगर हम अध्ययन करें तो पृथ्वी की 21 मार्च और 23 सितंबर की अवस्था, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विषु। यानी जब सूर्य विषु 21 मार्च जब नक्षत्र को आती है जिसके अकॉर्डिंग दिन और रात बराबर होते हैं, कहने का भाव यह है जो हमारी पृथ्वी की मानक यमोत्तर रेखा है जो हमारे विश्व को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अलग करती है उस पर सीधा प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है? दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और यही अवस्था हमारे 23 सितंबर को होती है, उसे भी हम विषु कहते हैं। इसमें भी हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। तो आज हमने दक्षिणी आयनांक और उत्तरी आयनांक के बारे में अध्ययन किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऋतुओं के परिवर्तन के निम्नलिखित कारण होते हैं जिसमें हमारी पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है शामिल, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, यह भी ऋतु परिवर्तन का एक मुख्य कारण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवस्था में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस समय दोनों पर लंबवत यानी सीधा पड़ता है, जिसके कारण इन दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद आता है 21 जून की अवस्था। इस अवस्था में दक्षिणी ध्रुव सूर्य से परे होता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य के झुका हुआ होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बड़ी तथा सर्द ऋतु होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जिसके कारण यहाँ गर्मी होती है। इसके अलावा 22 दिसंबर की बात करें तो इसकी विपरीत हो जाएगा कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उत्तरी ध्रुव पर, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु पड़ती है। शीत ऋतु पड़ती है तो यहाँ पर दिन बढ़ रहा है छोटे और रातें
बड़ी होगी। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी तो दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। इसमें हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको सीधा पड़ता है। इस क्लियर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि गर्मियों में दिन छोटे और रातें बड़ी क्यों होती है और दिसंबर में दिन छोटे और रातें बड़ी क्यों होती है। आज हमारे ये चैप्टर क्लियर हो गया है। इसके विषय में अगर आपको कोई